वेलकम टू सुपीरियर प्लस। आज के लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं 25.1.4, जिसमें है पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और साथ में फोटॉन्स। तो ये वाला लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके अलावा अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स फ्री में चाहिए जो मैं इधर बना रहा हूँ, तो अभी जो स्क्रीन पर जो नंबर है आप उधर हमें मैसेज कर लें, वरना नहीं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक होगी, जिसको आप ज्वाइन करके एक व्हाट्सएप ग्रुप में आके वहाँ पे आपको नोट्स, पास पेपर्स, गेस पेपर सब चीज़ें फ्री में मिल रहे होंगे जो मैं आपको दे रहे होंगे वहाँ पे। और अभी लेक्चर शुरू करते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के, इसमें है क्या। तो देखें, सबसे पहले हमें यह पढ़ना होगा कि फोटॉन्स क्या है। फोटॉन्स अब एक नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक पार्टिकल है, ठीक है। पार्टिकल जब भी हो तो यार समझे, सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये पार्टिकल है, इनके मास नहीं होते, ठीक है, ये मासलेस होते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके पार्टिकल्स फोटॉन्स हो गए, इनके पास मास नहीं होता, ठीक है, पहली चीज ये। लेकिन इनके अंदर एनर्जी और मोमेंटम, ये दोनों होती हैं। और आपकी लाइट है ना, ये है फोटॉन्स, इनके है ना फॉर्म में ट्रैवल करती है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एनर्जी है और साथ में मोमेंटम है। मोमेंटम है तो मतलब स्पीड है, ठीक है। ये आपकी लाइट होती है, और यही हमने नोट्स में यहाँ पर लिख लिया कि मासलेस पार्टिकल्स दैट कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम, ठीक है। ये हो गया हमारा यार कि ये बेसिकली आपके हो गए कि फोटॉन्स जो है ये आपकी लाइट इन फॉर्म में ट्रैवल करती है, ये डिस्क्रीट होते हैं, और साथ में एनर्जी और मोमेंटम है। मोमेंटम है तो स्पीड है। तो इससे हमारी है ना सारी जो कैटेगरीज है लाइट की वो फुलफिल यहाँ पे हो रही है। अब है यहाँ पे एच, एच जो है इसका है ना हमें लिखना पड़ेगा 6.6, और ये है ना यहाँ पे लिखा हुआ है इधर किताब में 6.626 × 10⁻³। ये जरूरी है, ये है ना आपको पता होना चाहिए कि यार ये इसके बराबर है। और अब ये जो ऊपर फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किस चीज के हैं ये मैं अभी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो लिखा हुआ है E is equal to HF, मतलब आपकी जो एनर्जी है वो किसके बराबर है, वो है एनर्जी इज इक्वल टू H, जो आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसकी? फोटोन की। उसमें मैं आता हूँ डिटेल में। और फिर साथ में जो मोमेंटम है वो किसके बराबर है, H, मतलब जो आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, डिवाइडेड बाय द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन या लाइट, ठीक है। अब आप बोलोगे सर एक सेकेंड, मास नहीं है, लाइट ट्रैवल कर रही है, कैरी मतलब एनर्जी है, लाइट ट्रैवल कर रही है, और फ्रीक्वेंसी है, ये सब है, लेकिन ये कैसे, मतलब ये तो पार्टिकल है ना, पार्टिकल के पास फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कैसे आई? तो इससे ही हमारा ये जो शुरू में हमने क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन थी ना, लाइट एंड या फोटोन इनकी ड्यूअल नेचर है, मतलब ये एज अ वेव भी होते हैं, मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी और ये सारी चीज़ें भी होंगी, लेकिन साथ में एज अ पार्टिकल भी, मतलब इनकी एनर्जी, मोमेंटम, ये सारी चीज़ें भी होंगी, और साथ में लाइट ऐसे ट्रैवल करती है। बहुत ही अजीब कॉन्सेप्ट है, लेकिन हाँ ये सच है। अल्बर्ट आइंस्टाइन भाई साहब थे आपके, बड़े ही मतलब होशियार भाई साहब थे, उन्होंने ये निकाला कि यार आप कह रहे हो कि अच्छा नहीं लाइट है यार, वो पार्टिकल्स और वेव्स दोनों में हो रही है और उनकी ये फॉर्मूला आ रहे हैं, लेकिन ये सेंस नहीं बन रहे। क्यों नहीं सेंस बन रहे? क्योंकि यार ये आपकी न्यूटन वाली जो क्लासिकल फिजिक्स नहीं है, ये आपकी क्वांटम फिजिक्स है। यहाँ पे लॉस टोटली चेंज हो जाते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं उसकी वजह से, ठीक है। और उससे हमारी फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने निकाली पार्टिकल थ्योरी, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसे हम कहते हैं साथ में फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट, कि लाइट बेसिकली लाइट आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, इट इज मेड ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स, जो फिर डिस्क्रीट पैकेट जो क्वांटाज होते हैं ना उसमें एनर्जी रिलीज करती है। ये बस आपका कॉन्सेप्ट है कि यार फोटोन क्या होता है और पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, ठीक है। बस ये सीन है, और यही चीज़ है ना यहाँ पे लिखी हुई है, और ये इसकी है ना यहाँ पे डेरिवेशन लिखी हुई है कि यार अच्छा एफ है वो इसके बराबर है, और जो आपकी स्पीड है ये इसके बराबर है, जिससे है ना फॉर्मूला वो पूरे डिराइव हो गए, और जो मैंने है ना आपको अभी यहाँ पे करके दिखा दिए। एनर्जी जो है आपकी ई इज इक्वल टू एच एफ, यहाँ पे वी लिखा हुआ है, वी का मतलब वही फ्रीक्वेंसी है। ये देखें यहाँ पे प्रिंटिंग एरर है, एफ और यहाँ पे एम ई, तो इसका ख्याल रखें ये एफ वी सब यहाँ पे मिक्स हो रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। अब जो आपकी एफ है स्पीड, ठीक है, एफ इज बेसिकली इक्वल टू किसके बराबर, आपकी सी स्पीड अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो हमने एफ की जगह यहाँ पे हमने डाल दिया आप सी अपॉन लैम्डा। सी क्या है आपकी स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो एनर्जी का एक और फॉर्मूला है ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, ठीक है।
विच इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा। बस ये ख्याल रखिए सी क्या होता है, सी इज बेसिकली आपको स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट जो आपको याद होनी चाहिए 3 × 10⁻¹¹. ठीक है, तो ये है ना हमारा हो गया। अब यार ये सी ये सब होते क्या है, लैम्डा और फ्रीक्वेंसी यार ये पता होना चाहिए, ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। पी आपका मोमेंटम है, ये ख्याल रखें, ठीक है, लोग भूल जाते हैं पी मतलब पावर, जब स्मॉल लेटर होता है तो ये मोमेंटम है, ठीक है। तो इससे हमारा ये हो गया, और फिर साथ में इससे है ना फिर आपके जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट निकाला, तो वो एक चीज़ हो गई। और उसके अलावा फिर एटॉमिक लाइन स्पेक्ट्रा है, वो बाद में जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मसला नहीं है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, इनसे हमें पता चलता है कि यार ये जो अल्बर्ट आइंस्टाइन भाई साहब थे ना हमारे, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, वरना नहीं तो ये प्रूव नहीं हो सकते, ये जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे क्वांटम फिजिक्स के थ्रू ये प्रूव हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, और फिर है ना यहाँ पे सवाल आता है, ठीक है, इसको है ना फिलहाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, हाँ ये चीज़ है कि जैसे आप राइटवर्ड्स जाते हो तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और वेवलेंथ कम होती है, जब ये होता है तो आपकी एनर्जी बढ़ती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये अब है ना याद रखने की जरूरत नहीं है, आप है ना E इज इक्वल टू एच एफ था ना, मतलब E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, और F हमें पता है कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ है, तो हमारा E जो है वो यहाँ पे 1/λ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी हो सकता है, ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है, ये आप याद करना चाहे मर्जी है, वरना ये फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। अब हम आते हैं सवाल पे, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अ फोटोन विद फ्रीक्वेंसी इतनी, ठीक है, तो हमें पता है फ्रीक्वेंसी इतनी है, इसको मल्टीप्लाई बाय हमने प्लैंक्स कांस्टेंट कर लिया 6.626 मल्टीप्लाई बाय 10⁻¹¹. इन दोनों को हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, इनको जब मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 2 × 10⁻¹⁵ जूल्स, मतलब आपका जो लाइट है अगर वो इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ, फोटोन इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ अगर चल रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि उसके पास इतनी एनर्जी है 2 × 10⁻¹⁵, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट पार्टिकल नेचर ये पूरी, ठीक है। फिर अगले लेक्चर में हम करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बनाया था, और उससे ना फिर और भी चीज़ें आएंगी, एटॉमिक लाइन ऑफ स्पेक्ट्रा ये सब, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ नहीं आया तो आप ये लेक्चर वापसी देख लें, वरना नहीं तो आप हमें है ना यूट्यूब पे कमेंट कर लें या व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें, हम आपको वापसी समझा देंगे। और अब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और वापसी अगर आपको ये नोट्स फ्री में चाहिए जो मैं इधर लिख रहा हूँ बना रहा हूँ पूरे चैप्टर के, बाकी सारे चैप्टर्स के, फिजिक्स केमिस्ट्री एमकैट ईकैट सब के, तो अभी जो स्क्रीन पे जो नंबर है आप उधर हमें मैसेज कर दें, वरना नहीं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप चले जाएं, वहाँ पे आपको है ना मिल जाएंगी एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक, वो ज्वाइन कर लें, आपको ये सारी चीज़ें फ्री में मिल जाएंगी। फिर अगले लेक्चर में हम शुरू करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।